वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। बेतिया से वरिष्ठ पत्रकार मोहन सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हवाई मार्ग से बाढ़ और कटाव ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम ने पश्चिम चंपारण जिला के दियारा के भितहा चंद्रपुर समेत पीपी तटबंध और यूपी बिहार सीमा पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज पहुंचे, जहां उन्होंने गंडक नदी पर बने बराज के फाटकों का निरीक्षण किया एवं बराज नियंत्रण कक्ष में जल संसाधन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर बेहतरी और नए तकनीक के जरिए कार्य करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार के इस यात्रा में मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। बिहार में बढ़ते संक्रमण और कोविड-19 के मद्देनजर मीडिया समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनसे दूर रखा गया। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा को बाढ़ और कटाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस गंडक बराज से बिहार समेत यूपी के कई इलाकों में गंडक नदी का पानी छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ और कटाव से लोगों को दो चार होना पड़ता है। जल संसाधन विभाग और गंडक बराज के बेहतरीन संचालन समेत मरम्मती के अधूरे कार्य पूरे करने समेत बाढ़ पीड़ितों को सीएम नीतीश कुमार की इस दौरा से राहत मिलने की उम्मीद है। तो आप सब वज्रपात न्यूज को जरूर शेयर एवं सब्सक्राइब करें।